हेलो फ्रेंड, टीवी शो अनुपमा में माया ने अनुज को पास रोकने की पूरी कोशिश की। अनुज के नहीं मानने पर अब वह नया गेम खेलेगी। तो जानते हैं दोस्तों कि आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है। स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि अनुज ने अपनी अनुपमा से मिलने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। शाह हाउस से लेकर कपाड़िया हाउस तक में इस बात को लेकर हलचल है। कई इस बात से खुश हैं तो कईयों के दिल पर सांप लौट रहे हैं। वजह अलग है लेकिन मकसद एक है, अनुपमा अनुज को अलग करना। अब माया किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। तो वहीं फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कपाड़िया हाउस में लौटते ही पाखी बरखा पर तानों की बारिश करने लगती है। वह कहती है कि अब अनुज का वनवास खत्म होने वाला है, उसे अपना सामान पैक करके कपाड़िया हाउस से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। गुस्से में लाल अधिक पाखी पर बरस पड़ता है, वहीं बरखा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अनुज को पाने के लिए हद पार करेगी माया। माया अनुज को अपने दिल का हाल बता देती है और उसके अनुपमा के पास ना जाने के लिए गिड़गिड़ाती है। अनुज के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानती है। वह कहती है कि अगर उसका अनुपमा के लिए 26 साल का प्यार सही था तो उसका भी प्यार सही है और वह उम्मीद नहीं खोएगी। वहीं अनुज माया की बातें सुनकर मन ही मन डर सता रहा है कि कहीं माया उसे पाने के लिए कुछ गड़बड़ ना कर दे। वहीं माया के पास अनुज को रोकने के लिए सिर्फ एक रात है और वह कैसे भी करके उसे रोकना चाहती है। वहीं फ्रेंड्स, अनुपमा को मिली एक और जिम्मेदारी। अनुपमा के पास डांस सीखने आई भैरवी के पिता का निधन हो जाता है। मरने से पहले वह अनुपमा से वादा लेते हैं कि वह भैरवी का ख्याल रखेगी और वह उनसे वादा भी कर लेती है। निधन के बाद जब भैरवी अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोती है तो अनुपमा को अपने पिता की याद आ जाती है। अनुपमा के लिए छोटी और अनुज का प्यार देखकर आग बबूला हुई माया। छोटी अनु अनुज के पास आती है और उसके साथ मस्ती करती है। साथ ही वह ये भी कहती है कि वह माया के साथ खुश है और उसे भी अनुपमा के पास खुश रहना चाहिए। वह उनसे दूर है लेकिन उनके करीब है। छोटी अनु और अनुज अनुपमा को बेस्ट कहते हैं। दरवाजे पे खड़ी माया कहती है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार छोटी और अनुज से करती है लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ अनुपमा ही रहता है। तो वहीं फ्रेंड्स, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कांता बेन अनुपमा से कहती हैं कि वह बिना तसल्ली के अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगी। वहीं अनुपमा के पास जाने के लिए बेताब अनुज को माया खड़ी होकर देखती रहती है। जिस तरह बरखा, वनराज और माया पूरा दम लगा रहे हैं कि अनुज अनुपमा फिर से एक ना हो, देखना दिलचस्प होगा कि वह मिलते हैं या नहीं। तो फ्रेंड, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।